हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पर अब हम एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वो है सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा वो होगा SN इक्वल टू एन बाय टू। यहाँ एन होगा बाय में टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल, या फिर ये कह देंगे कि लास्ट टर्म। ये और या फिर जो यही फार्मूला, अगर मान लिया आपके पास लास्ट टर्म नहीं है और एन नहीं दे रखी है, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे फार्मूला ए की जगह टू ए हो जाएगा और ए एन की जगह आ जाएगा ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी। एक ए यहाँ से आ जाएगा और एक ए ये है, तो ये टू ए हो जाएगा। तो ये फार्मूले में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीज। आपको जो नीचे ये ए पी दे रखी है इसका सम गेट करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास है चार, तो वन बाय वन करते हैं। पहले है ये ए पी, गिवन ए पी इज दिस वन, ए पी हमारे पास ये है और टोटल इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है 2712 डॉट 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 कॉमा 210 टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एन की जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू है 2, डी की वैल्यू वो क्या होती है ए वन, सॉरी ए टू माइनस में ए वन इक्वल टू, ए टू हमारे पास है सेकेंड टर्म 7 और फर्स्ट टर्म है 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 10, ओके। तो अब हमारे पास देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि एन की वैल्यू भी है ए की और डी की, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद आप इसे अब वैल्यूज पुट करेंगे। एन की जगह आ जाएगा 10, यहाँ पर भी एन की जगह आ जाएगा 10, ए की वैल्यू की जगह आएगा जो 2 वैल्यू हमारी आई है वो ये वाली एन 10, डी 5, 10 बाय 2 यानी कि 5, 2 से ये 10 कट गया, हमारे हमें मिला 5, और ब्रैकेट के अंदर 2 टू जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 5 मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट के बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाते हैं तो यानी कि मल्टीप्लाई में है, और अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो चलेगा। 4 प्लस 45 हुआ 49, 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
क्या आएगा, 49 मल्टीप्लाई 5 फाइव नाइन जा 45, 4 फाइव फोर जा 20, 24 245, तो हमें आंसर मिला इसका 245। राइट आंसर है 245। अब चलिए करते हैं सेकंड वन। इसको उठा करके चलो, अभी तो दो सम तो हो ही सकते हैं। सेकंड, सॉल्यूशन टू, सेकंड में हमारे पास है ये -20, -37, -33, -29 to 12 टर्म्स। गिवन ए पेज दिस वन, तो ए की वैल्यू -37 है, -37। डी की वैल्यू a2 - a1 यानी कि -33 के अंदर -37 करेंगे। -33, -37 क्या मिलेगा? देखिए, एक तो माइनस इसका है और एक माइनस इसका खुद का है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से निशान इसका बदल जाएगा। हमें मिलेगा -33 + 37। यानी कि डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान प्लस का आएगा 4। ओके, डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 है। ए है, डी है, एन है, फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगा देंगे, ठीक है, एस एन का, क्योंकि हमें सम ऑफ 12 टर्म्स निकालनी है। सम ऑफ 12 टर्म्स, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। यहाँ पर एन की वैल्यू 12, यहाँ पर ए की वैल्यू -37। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, नहीं तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। एन माइनस वन यानी कि 12, 12 - 1 11, तो इसकी जगह आ जाएगा 11। डी की वैल्यू है 4, ट्वेल्व को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -37, तो 2 7 जार 14, 2 3 जार 6 7, 74, माइनस का 74 ब्रैकेट के अंदर। और प्लस 44, सिक्स मल्टीप्लाई 74 में से 44 माइनस करेंगे, 30 आएगा,
और जो ये वैल्यू है ये माइनस की आएगी, माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 30 180। आंसर हमें मिला माइनस का 180। आंसर सही है। अब चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसे पहले हटा देते हैं और सॉल्यूशन थ्री। गिवन एपी, इस बार हमारे पास क्या है, ये वाली जीरो पॉइंट सिक्स, वन पॉइंट सेवन, टू पॉइंट एट, इस बार पॉइंटों में वैल्यू आई हुई है और ये चलता रहेगा 100 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 0.6 है और डी की वैल्यू फिर निकालेंगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था, जीरो पॉइंट सिक्स इसकी जगह आ जाएगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए वन ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे क्या होगा, 1.7 0.6 7 माइनस 6 1 पॉइंट और 1 माइनस 0 1 1.1 राइट। वन पॉइंट वन मिलता है। अब हमें डी की वैल्यू मिल गई और जो एन की वैल्यू है वो 100 टर्म्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर 100 होगा। ओके, फार्मूला यही वाला, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 0.6 है, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, और एन की वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1.1 है, ये वैल्यू रख देंगे डी की जगह राइट। क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 100, 100 बाय 2 50 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 सिक्स 12 एक डिजिट के पहले डेसिमल तो ये बन गया क्या 1.2 प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 नाइन जा 99 9 11 नाइन जा 99 99 एंड 9 108 और एक डिजिट पहले डेसिमल यानी कि 108.9 हो जाएगी। ओके, इसको कॉलम मेथड से प्लस करेंगे तो क्या होगा 108.9 1.2
डेसिमल के नीचे डेसिमल करना है, याद रहे। 9 माइनस सॉरी प्लस करना है हमें, 9 और 2 11, 1 बचा, 1 कैरी आ गई, 189, 110, 0 और 1 जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये 10 है, ये 11 हो जाएगा। क्या मिला हमें? 110.1। इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 के साथ। तो एक तरीके से हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 0 पीछे लगा देंगे ना, डेसिमल पर हटा देते हैं, डेसिमल भूल जाते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करने पे पीछे एक 0 आ जाएगी। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ 5 5 आ जाएगा, यानी कि 5 5 0 5 0, देख रहे हो, 1 1 1, इनकी जगह 5 आ गया और एक ये 0 आ गई। 0 क्यों आई? क्योंकि 50 था तो एक 0 इसकी थी, वो पीछे 0 आएगी। अब डेसिमल के बारे में बात करते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो यहाँ पे एक डिजिट पहले डेसिमल लगेगा यहाँ पे, और डेसिमल के बाद 0 कोई मायने नहीं रखती, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारा जो सम है वो आया 5505, 5505। आंसर चेक करें, आंसर बिल्कुल ठीक है, 5505। अब हमें करना है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज दिस वन। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। चेंजिंग क्या हुई? जो ये थर्ड की जगह आ जाएगा 4, गिवन एपी, एपी हमारे पास है ये, ए की वैल्यू है 1/15, a2 - a1, a2 की वैल्यू है 1/12, माइनस a1 1/15, राइट। अब इसको सोल्व करने के लिए डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें, 12 और 15 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आप देखेंगे दोनों का एलसीएम, निकाल के दिखाऊं, एक हमारे पास है 12, एक है 15। पहले इसको 2 से करेंगे, तो हमें मिलेगा 6, 15 वैसे का वैसा ही आएगा,
फिर इसको टू से करेंगे, तो 6 का आ जाएगा 3, और 15 वैसे का वैसा। अब 2 से और तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब ये होगा 3 से, 3 वन जा 3, 15 का आ जाएगा 5। फिर करेंगे 5 से, वन का वन, 5 वन जा 5, 2 टू जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 60 आ गया एलसीएम। तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 की टेबल पर 60 कितने पर आता है? अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे कभी बड़े वैल्यूज आ जाती है तो आप नहीं निकाल पाते, तो जो एलसीएम है उसको डिवाइड करके देखेंगे इस डेनोमिनेटर से, जो आए वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये एलसीएम बन जाए। ठीक है, तो नीचे हम मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, ताकि 60 बन जाए नीचे डेनोमिनेटर में, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर 15 है, 15 4 जा 60 होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, हमें मिलेगा 15000, इसका ये हट जाएगा और हमें मिलेगा 5 और नीचे मिलेगा 60। और इधर 4 और नीचे मिलेगा 60। फाइव मल्टीप्लाई फोर वन, अब डेनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या होगा, न्यूमिनेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 5 माइनस 4 हुआ 1, और ऊपर मिला हमें 1, राइट, 1/60। एन की वैल्यू यहाँ 11 है, तो 100 की बजाय आ जाएगा 11, एस एन का फार्मूला लगाएंगे ये, और अब वैल्यूज पुट करेंगे इनकी जहां जहां एन है, 1 हम कर देंगे 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा क्योंकि जो एन की वैल्यू है वो 11 है, और ये 11 माइनस 1 10, उससे एक कम जो भी एन की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 1/15 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/15, और डी की वैल्यू 1/60 आई थी, है ना। इलेवन बाय टू इसकी जगह आ गया 2/15, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये कट गया, यहाँ पर 10/60 काटेंगे नहीं, इसको 10/60 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि फिर एलसीएम तो लेना है ना, 15 और 60 का एलसीएम आप निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, तो एलसीएम 60 आएगा। और फिर ये देखिए कि जो ये है ये इसकी टेबल में आता है, तो जब कभी ऐसे आए कि दो में से कोई एक दूसरे का मल्टीपल है उसकी टेबल में आता है, तो वो जो बड़ी वाली वैल्यू है मल्टीपल है वही एलसीएम होती है। तो इसको बनाने के लिए 60 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे।
टू मल्टीप्लाई फोर एट, 15 4 60। एट एंड 10 18 हो गया, 18/60 ब्रैकेट हट जाएगी और इधर मल्टीप्लाई लग जाएगा। यहाँ कोई कोई गलती लग रही है मुझे, इसका आंसर तो डिफरेंट है। क्या आंसर है? 33/20। फाइव टू जा 10 कट रहा है, तो क्या गलती है देखते हैं। 2 × 1/15, ए की वैल्यू 1/15 है, इधर रखी है, फिर 10 एन माइनस 1 11 टर्म्स है, तो यहाँ 10 आ गया, और डी की वैल्यू 1/16 रखी थी हमने, फिर 10/60। इसको 60 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 8/60। अच्छा ये गलती हो गई, इसको नहीं एडिट किया मैंने, सॉरी, 18 18/60। तो 2 से ये कट रहा है, 18 9, और फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से 6 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 6, और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 6 से। क्यों किया? क्योंकि 6 से ये डिवाइड हो रहा है, 6 3 18, 6 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, 6 से डिवाइड करने पर इसको मिला 3 यहाँ पर, और यहाँ पे मिला हमें 10। अब और कुछ नहीं कट रहा, तो 33/20 हमारा आंसर आ गया। और नीचे 20। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये पूरा पार्ट अच्छे से कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।